हेलो एवरीवन, आज हम जो सेकंड एक्सपेरिमेंट एसिडिक रेडिकल्स में क्लोराइड आयन का लेते हैं Cl माइनस। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी होगी। दिस इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, क्लोरीन गैस। बिल्कुल भी आप इसमें लापरवाही न बरतें और मास्क, गॉगल्स, इन सब का प्रॉपर ग्लव्स इस्तेमाल करें। ये बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल गैस है जिसको हम यहाँ पे लेबोरेटरी में अभी बनाने जा रहे हैं। वो क्लोराइड गैस है, क्लोरीन गैस है, और उसमें जो क्लोरीन गैस फॉर्म्ड होती है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम उसे फॉर्म्ड करते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है ये हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl। इस सॉल्ट के अंदर क्लोरीन क्लोराइड अवेलेबल है, तो सबसे पहले जो है मैं ये सॉल्ट के लिए जो है आपका टेस्ट ट्यूब में NH4Cl ले रहा हूँ। आप बिल्कुल भी पाम में ना रखें कोई भी सॉल्ट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। आप बिल्कुल जो है प्रिकॉशन का ख्याल रखेंगे, आप इसे स्पून से ही जो है आपने उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, नहीं तो अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। आप बिल्कुल भी ये ना करें विदाउट प्रिकॉशंस। तो ये हमने अमोनियम क्लोराइड जो है टेस्ट ट्यूब में लिया है। दूसरा जो है हम जो रिएजेंट है ये जो है आप देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, आपने बहुत ज़्यादा ये देखा होगा, कई बार इसका कलर पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर जैसे रसना का कलर होता है वही कलर है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑरेंजी कलर में होता है, आप ये देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बिल्कुल ये शाइनी है और आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। आप सीख लीजिए व्हाट इज़ द कलर ऑफ, क्या कलर है शो करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अमोनियम क्लोराइड, इसमें अमोनियम क्लोराइड के साथ ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड किया है। आप बिल्कुल भी इस तरीके से ना करें, आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखें। ये मैंने इसमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया हुआ है। अब इसमें जो है मैं कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करूँगा, और कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोरीन गैस फॉर्म्ड होगी। और अगर हम उसमें NaOH ऐड करेंगे और NaOH ऐड करने के बाद जो है तो येलो कलर की जो गैस है वो इवॉल्व होगी, वही जो है ग्रीनिश येलो वो कलर जो है आपका क्लोरीन गैस का है। और ये आप देख सकते हैं कंसनट्रेट H2SO4 मेरे पास है, और साथ में ये NaOH मैं इसमें देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप देख सकते हैं ये हम कंसनट्रेट H2SO4 इसमें ऐड कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये देखिए ये जो गैस आपकी रिलीज़ हुई है ये क्लोरीन गैस अभी ये रिलीज़ हुआ है येलो कलर में। अभी जो है मैं इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है गैस रिलीज़ होगी। तो ये जो आप गैस देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है क्लोरीन गैस इसमें इवॉल्व हुआ, अब ये ठंडी हो चुकी है। तो गाइस अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक्सप्लोसिव फॉर्म में जो है ज़्यादा NaOH मिलाने से जो है क्लोरीन गैस फॉर्म्ड हुई, हल्का ग्रीनिश येलोइश कलर जो है, हल्का सा ग्रीनिश और बाकी येलोइश कलर में जो है क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई। उसमें हमने जो है जो जो चीज़ें यूज़ की, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में लिया गया टेस्ट ट्यूब में, देन उसमें हमने जो मेन सब्सटेंस है, मेन रिएजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया था। ऑरेंज कलर का ये होता है, ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट अमोनियम क्लोराइड के साथ, देन कंसनट्रेट H2SO4 उसमें यूज़ किया। तो क्या था कि येलोइश कलर की जो है
ऑरेंज और येलो कलर की जो है गैस रिलीज हुई, देन उसमें मैंने NaOH मिलाया तो एक्सक्लूसिव थोड़ा सा हल्का एक्सक्लूसिव के साथ जो है वो ग्रीनिश येलोइश कलर में क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हुई। दिस इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ये आपने देखा क्लोरीन गैस का कन्फर्मेशन, बट ये बहुत ही हार्मफुल गैस है, बहुत ज़्यादा अगर आप इसको इनहेल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, इसलिए बिल्कुल भी इसे बिना एक्सपर्ट के साथ आप इसे करने का ना सोचें। विदाउट एक्सपर्ट अगर आप ये करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। प्रिकॉशंस पूरा रखिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप ना करें। अगर कोई सॉल्ट आपको निकालना है तो आप स्पून से निकालिए, और अगर आपने कोई भी एसिड्स वगैरह भी उसमें एंट्री देनी है टेस्ट ट्यूब में, तो आप जो है इस तरीके के जो बॉटल्स हैं उसमें ये एसिड्स वगैरह होते हैं, उन्हीं से आप इसमें धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की वॉल के सहारे उसे आप डालेंगे, और आप अपने मुंह की तरफ को कभी भी आप टेस्ट ट्यूब को ना रखें और ना दूसरे की तरफ को रखें, उस जगह को रखें जहाँ उस डायरेक्शन में रखें जहाँ वो खाली है। तो इस प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें गाइस। इस तरीके से आज आपने ये क्लोराइड टेस्ट देखा। थैंक यू सो मच।